वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन वन इज देयर, फाइंड 35 माइनस 20। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 35 माइनस 20, राइट। एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। क्वेश्चन वन इज देयर, 35 माइनस 20, राइट। इट मीन्स क्या हो जाएगा ये 35 माइनस 20, ठीक है। 35 में से 20 का इट मीन्स कितना बचा आपके पास में, आपके पास में बचा कितना 15, ठीक है। कितना बचा आपके पास में 15, राइट। इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या है आपके पास में, सेकेंड आपके पास में 72 माइनस 90, ठीक है। सो ये बन जाएगा आपका 72 माइनस 90, ठीक है। तो 72 में से 90 ज़्यादा नहीं है, तो आप 90 माइनस 72 कर लो तो कितना बचेगा आपके पास में, आपके पास बचेगा 18, ठीक है। अब बड़ा नंबर बिगर नंबर क्या हमारे पास में 90, इसके उसके सामने माइनस के साइन नहीं थे, यहाँ पर क्या होगा माइनस 18, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड नंबर का देखेंगे हम लोग, थर्ड में क्या लिखा हमारे पास में माइनस 15, ठीक है। माइनस 15 एंड माइनस देन माइनस 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 15 एज इट इज़, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपका 18, ठीक है। 18 माइनस 15 इट मीन्स कितना हो जाएगा आपके पास में 3। तो बिगर नंबर में प्लस की साइन है, सो यहाँ पर क्या आएगा हमारा प्लस 3, ठीक। उसी तरह से फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है माइनस 20, राइट। माइनस 20 एंड माइनस और ब्रैकेट में दिया है 13, ठीक है। देखो माइनस 20 एज इट इज़ और माइनस 13 भी एज इट इज़, ठीक है। तो माइनस माइनस मिस क्या होती है, साइन एडिशन हो जाती है ना। तो ये कितना हो जाएगा 20 और 13 हो जाएगा आपका 33, ये आपका माइनस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो वन था उसमें फोर क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो दो क्वेश्चन है वो आपको खुद से घर पे सॉल्व करने हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल साइन, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल के साइन में से जो भी सुटेबल है वो आपको यहाँ पर क्या करनी है, पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग माइनस 3 प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 9, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको किस तरह से साइन आएंगी, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू साइन यूज़ करनी है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो माइनस 3 प्लस माइनस 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 6 एज इट इज़, माइनस 3 माइनस माइनस अंदर जाएगा माइनस 3 हो जाएगा आपका प्लस। तो माइनस 3 या माइनस 6 इट मीन्स कितना हो जाएगा माइनस 9, ठीक है। माइनस माइनस में एडिशन होगा तो माइनस 3 एंड माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 9। देन देखो प्लस 6 है और माइनस 3, प्लस 6 और माइनस 3 इट मीन्स कितना बचेगा हमारे पास में, मतलब एक साइड माइनस एक साइड प्लस है तो क्या होगा, ओबियसली माइनस होगा। तो 6 माइनस 3 इट मीन्स 3, तो बिगर साइन प्लस के इसलिए प्लस, तो विच इज़ ग्रेटर माइनस 9 और प्लस 3, प्लस 3 इज ग्रेटर, इट मीन्स ये जो इक्वेशन है यहाँ पर इस तरह से साइन आएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसी तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है माइनस 21, राइट। माइनस 21 माइनस देन माइनस 10, ठीक है। माइनस 21 माइनस माइनस 10, और यहाँ पर लिखा है माइनस 31 प्लस करके लिखा हुआ है माइनस 11, राइट। तो ये रहा आपका माइनस 21, माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा प्लस 10, या माइनस 31 एज इट इज़, प्लस माइनस 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 11,
ठीक है, एक एक माइनस एक प्लस है तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो 21 माइनस 10 इट मीन्स कितना, 11 माइनस 11 और माइनस 31 और माइनस 11 तो ये कितना हो जाएगा 42, माइनस 42 तो विच इज़ ग्रेटर, माइनस 11 इज़ अ ग्रेटर, इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 45, राइट, माइनस माइनस प्लस 11, 57 प्लस माइनस 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 4, ठीक है, 45 प्लस 11 ये कितना हो गया आपका 56, और 57 माइनस 4 इट मीन्स कितना 53, तो विच इज़ ग्रेटर, तो 56 इज़ ग्रेटर, तो ये भी क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको सिंबल उसमें खुद से पुट करना है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, माइनस 8, माइनस 8 तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में, हमारे पास में आएगा प्लस 8, माइनस 8 प्लस 8 प्लस 8 तो क्या हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है, अब प्लस 13 है, प्लस 13 तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 13, प्लस 13 माइनस 13 इट मीन्स कितना हो जाएगा, ये भी 0, देन आपका 12, ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो 12 माइनस 12 इट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है, देन माइनस 4, माइनस 4 को क्या हम लोग प्लस कर देंगे, माइनस 8 प्लस कर देंगे, तो माइनस 4 माइनस 8 इट मीन्स कितना हो जाएगा माइनस 12, देन यहाँ पर है माइनस 15, माइनस 10 आंसर लाना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 5 एडिशन करना होगा, ठीक है, 15 माइनस 5 इट मीन्स माइनस 10 हो गया, ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिनिश हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड, तो माइनस 7 माइनस 8 देन माइनस देन ब्रैकेट में माइनस 25, तो सोल्व करने पर आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, माइनस 7 माइनस 8 देन माइनस ब्रैकेट में माइनस 25, तो ये आपका हो गया माइनस 7 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 25, ठीक है, तो माइनस 7 माइनस 8 इट मीन्स कितना हो जाएगा माइनस 15, माइनस 15 प्लस 25, राइट, अगेन माइनस एंड प्लस, तो क्या यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, तो 25 माइनस 15 इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 10, देन आंसर विल बी 10, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, माइनस 13 प्लस 32 माइनस 8 माइनस 1, तो फर्स्ट वी विल राइट हियर माइनस 13 माइनस 8 माइनस 1 देन प्लस 32, ठीक है, तो माइनस 13 माइनस 13 प्लस 8 प्लस 1 तो ये हो जाएगा आपको कितना, माइनस 22, माइनस 22 प्लस 32, तो 32 माइनस 22 इट मीन्स कितना हो जाएगा आपके पास में, अगेन 10, तो आंसर क्या बनेगा आपके पास में, फिर से क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, ठीक है। तो इसी एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन और है जिसे आपको खुद से घर पे सॉल्व करना है, एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल एक्सरसाइज 6.3, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, वंदे मातरम।